जब बात सुपर हीरोज की आती है तो हम क्या सोचते हैं कि एक मस्कुलर मैन जिसने अपने सिर पर कैप पहन रखी हो या फिर स्पैंडेक्स वाला सूट पहन रखा है और कम से कम एक हथियार तो हो, यही हमारे सुपर हीरोज की इमेज होती है वंडर वुमन को छोड़कर। वक्त है कुछ स्टीरियोटाइप्स को सबक सिखाने का। अगर इमेजिन करके देखें कि हमारे सुपर हीरोज फीमेल में होते तो क्या होता। अगर अलग कॉमिक्स को देखें तो कुछ तो गर्ल्स बन चुकी हैं आर्टिस्ट और फैंस की इमेजिनेशन में, पर हमको अभी फीमेल वर्जन्स के 10 कॉमिक कैरेक्टर देखने भी हैं। और तूफान का देवता, और ये कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में भी देवता ही है स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी में। हमने क्रिस हेम्सवर्थ को रोल निभाते हुए देखा है मार्वल मूवीज में। ये एक बड़ी दाढ़ी वाला बंदा है जिसके पास लाल कलर का चोंगा है। हथौड़े से सबको बचाते हुए ये एक सच्चा हीरो है एवेंजर टीम का। इसलिए मार्वल ने फैसला किया है कि थॉर को वोमेन में बदल दिया जाए। थॉर का रोल नेटली पोर्टमैन निभाएंगी। कॉमिक्स के हिसाब से वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और उनको ये ताकत और काबिलियत मिली तूफान के देवता की तरफ से। और जो कॉमिक्स के क्रिएटर हैं इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये टेम्परेरी थॉर नहीं है, पहले से ज़्यादा विकसित है ये नया थॉर अपने बैकग्राउंड से और अपने फ्यूचर से। पर फीमेल वर्जन थॉर अभी बिग स्क्रीन पर नहीं आया और उसका रोल एम्बर निभाएंगी जिनकी शक्ल क्रिस हेम्सवर्थ जैसी दिखती है। स्पाइडरमैन, फैक्ट ये है कि स्पाइडर सबसे ज़्यादा शांत वाला कैरेक्टर है कॉमिक्स में और ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा प्यार किया जाने वाला ये हीरो। ये वो स्पाइडरमैन है जो अपनी कूल काबिलियत की वजह से मार्वल में जाना जाता है। स्पाइडरमैन के अलावा देखें तो 5 फीमेल स्पाइडर्स भी हैं। ये सब पीटर पार्कर से जुड़ी तो नहीं है और इनकी सूट और स्टोरीज बिल्कुल अलग है। इनमें से कुछ तो स्पाइडर वूमेन है। अगर आप फीमेल वर्जन के स्पाइडर को देखना चाहते हैं तो आपको कॉमिक्स देखनी चाहिए, ये बेस्ट ऑप्शन है। ये स्पाइडर गर्ल पीटर पार्कर और मेरी जेन की बेटी है पैरेलल यूनिवर्स में, और ये स्पाइडर गर्ल बिल्कुल स्पाइडरमैन पर गई है काबिलियत और फैशन स्टाइल्स में। हल्क, इसमें सी हल्क है। यह इतनी बुरी कैरेक्टर नहीं है। सी हल्क रियल कैरेक्टर है जो कि ब्रूस बैनर की कज़न है और पहली बार इसको दिखाया गया था 1980s में। ये वो हीरो है जिसका अच्छा बैकग्राउंड है और एक अच्छी कहानी। कहानी के हिसाब से देखें तो सी हल्क को ये ताकत कैसे मिली, जब वो हल्क की मदद कर रही थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने में, जिसकी वजह से वो सी हल्क बन गई। आयरन मैन, शायद आपने सुना होगा कि मार्वल आयरन मैन का सूट किसी लड़की को देने की सोच रहा है। एक फेमस कॉमिक है सिविल वॉर टू टोनी स्टार्क। इस कॉमिक के आखिरी पेज पर लिखा है कि टोनी स्टार्क अपनी पोस्ट छोड़ देगा और एक अद्भुत बच्चा उसकी जगह लेगा, जो टोनी स्टार्क जितनी ही टैलेंटेड होगी, और उसका नाम डियरी विलियम्स है जिसने अपना आयरन वूमेन सूट हॉस्टल में बनाया है। सुनने में थोड़ा अजीब है पर यह सच है। जो भी हो सकता है ये मार्वल के एक माइकल बेंडिस हैं। ये वो शख्स हैं जो नए कैरेक्टर पर काम कर रहे हैं और जेसिका जोन्स पर भी काम कर रहे हैं, जो मिस्टीरियस कैरेक्टर है मार्वल का। बस उम्मीद यही है कि ये आयरन मैन जितनी काबिल हो। बैटमैन, बैटमैन और सुपरमैन आज के काफ़ी मशहूर कैरेक्टर हैं कॉमिक्स के। कॉमिक्स के अंदर काफ़ी सारी बैट गर्ल हैं और बैट वूमेंस, ये अलग कैरेक्टर हैं पर इनकी कहानी इंटरेस्टिंग है। जो बैटमैन के खिलाफ काम करती हैं ये फीमेल बैटमैन्स।
जोकर। जोकर एक ऐसा विलन बचा है जो कभी फीमेल वर्जन में आया ही नहीं, पर हम हार्ली क्विन को शामिल नहीं करेंगे जो फीमेल जोकर है। ये दोनों ही बिल्कुल अलग तरह के किरदार हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी। पर ये सन की जोकर काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर है डीसी कॉमिक्स में, ये और पिक्चरों में भी आ चुका है। इसके हरे बाल, सफ़ेद चेहरा और खतरनाक हंसी के साथ जिसके पास कॉमन सेंस तो है ही नहीं। ग्रीन एरो, अगर आप सुपर हीरोज़ को पसंद करते हैं तो आपने ग्रीन एरो को देखा ही होगा। इनका किरदार स्टीफन एमल निभा रहे हैं। ग्रीन एरो डीसी कॉमिक्स के हीरो हैं। आर्चर हीरो है जो तीर कमान चलाता है। ये बैटमैन की तरह है जो टेक्निकल गैजेट इस्तेमाल करता है और रॉबिन हुड वाला काम करता है। ये करेक्टर बिल्कुल हॉकाई की तरह ही है, पर जो ग्रीन एरो के क्रिएटर्स हैं उन्होंने अभी फीमेल वर्जन हीरो नहीं बनाई है, और ये एक अच्छा कैरेक्टर हो सकता है शायद कॉमिक्स के क्रिएटर के लिए, शायद वो आगे चल के इसको ले भी लें। डेडपुल, कोई भी डेडपुल के ऊपर चौंकेगा नहीं क्योंकि डेडपुल के पास एक अच्छा खासा फीमेल कैरेक्टर है। ये फीमेल कैरेक्टर डेडपुल से जुड़ा हुआ भी नहीं है, ना ही कजन के तौर पे, ना ही पार्टनर के। फीमेल डेडपुल का नाम वांडा विल्सन रखा है। ये डेडपुल गर्ल खतरनाक कैरेक्टर भी है। ये डेडपुल है, हम इससे किसी भी चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं क्रिएटर्स ने। एक्वामैन, ये डीसी कॉमिक्स का हीरो है जो अभी जस्टिस लीग में दिखाया गया है। इसके ऊपर भी मूवी आ सकती है। एक्वामैन क्वीन ऑफ एटलांटिस का बेटा है। ये अंडर वाटर में आराम से रह सकता है। समुद्र के क्रिएचर से भी ये बात कर सकता है। यह फिजिकल बॉडी से भी मजबूत है और इसको घायल करना भी बहुत मुश्किल है। फीमेल वर्जन को अभी आर्टिस्ट ने बनाया है, पर अभी इसको किसी क्रिएटर ने नहीं लिया है। कैप्टन अमेरिका, अगर स्टीव रॉजर्स को फीमेल वर्जन में देखा जाए तो ये अच्छा नहीं होगा। फीमेल कैरेक्टर हो सकती है जिसका नाम अमेरिकन ड्रीम होगा, जो सैनन कार्टर होगी। सैनन कार्टर, ये भांजी है पैगी कार्टर की। सैनन के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, पर ये फिट वूमेन है ब्लू कैप्टन अमेरिका की तरह। इसके पास कैप्टन के जैसा सूट और कैप्टन की शील्ड है। स्टीव रॉजर्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है मार्वल का। फोटोशॉप आर्टिस्ट को यह आइडिया अच्छा लगा फीमेल कैप्टन का, और इसके ऑथर है उन्होंने एलिसन ब्री को लिया है रोल के लिए। ये नए कैरेक्टर कुछ अच्छा ही करेंगे। बॉयज़ एंड गर्ल्स, इनमें से आपको कौन से फीमेल कैरेक्टर का सबसे ज़्यादा इंतजार है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।